गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस एनर्जी में हैं। ओके वीवर्स, और ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देखी जा सकती है या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में लगातार आप सोचते हैं और उसको मिस करते हैं और जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, उस इंसान की थिंकिंग, उस इंसान की फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर क्या हैं, तो ये रीडिंग आप उस इंसान के लिए भी देख सकते हैं। बस आपको करना यही है कि उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुलाइज़ करते रहना है और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहना है। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ कप्स। वैसे तो यहाँ पर सारी जोडियक साइंस और एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एयर साइन कुमेथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस, वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके बस, और यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं वो हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर। ये नंबर्स आपकी या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हैं। आपके जीवन में किसी बात को लेकर कोई दुविधा है तो इन डेट्स में, इन मंथ्स में वो दुविधा भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। ओके बस, तो इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर, इन नंबर्स पर अगर आप चाहें तो नज़र बनाए रख सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी घटना इन डेट्स में, इन मंथ्स में या तो आपके साथ घटित हो चुकी है या फिर घटित होने वाली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये नंबर्स। ओके, तो ये तो रही जोड़ी साइंस और नंबर्स की बात। अब बात कर लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की कि आज सुबह क्या है, किस एनर्जी में है आपका पर्सन। तो देख लेना, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें 2 ऑफ कप्स के कार्ड की, तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं और आप ऐसा मानते भी हैं और आप दोनों के इमोशंस भी एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के मन में काफ़ी सारी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, पर यहाँ पर ना आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ है और वो बात पेंटिकल्स को लेकर हुई है या फिर कोई थर्ड पार्टी है। अब दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, या तो पेंटिकल्स को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ है या फिर थर्ड पार्टी को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। आप दोनों के बीच हुआ ज़रूर है कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ना आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से या तो इस पर्सन के करियर की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के जीवन में बनी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पर ना 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ हमारे पास 7 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की जीवन की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। थर्ड पार्टी इस पर्सन के जीवन में जो कोहराम मचा रही है ना, या फिर मतलब इस पर्सन का अगर करियर भी है ये थर्ड पार्टी, या फिर पेंटिकल्स को लेकर आप दोनों के बीच जो आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना इस पर्सन को एक ऐसी एनर्जी में ला चुकी हैं जहाँ पर ये पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज होकर है कि इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये रिश्ता ना आगे नहीं बढ़ पा रहा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती ही चली जा रही हैं, कभी एक बात को लेकर विवाद तो कभी दूसरी बात को लेकर विवाद, यानी कि किसी न किसी बात पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आप दोनों के बीच दूरियां भी इस वजह से आ रही हैं, तो ये पर्सन इन दूरियों को मिटाने के लिए ना कुछ एक्शन लेने वाला है। ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन आता हुआ भी नज़र आ रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स के साथ साथ 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है और ये दोनों ही कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है ना उनको क्लियर करने के बारे में सोच रहा है और मिलकर बात करने का सोच रहा है। यहाँ पर बहुत सारा प्यार लेकर ये पर्सन आना चाहता है, ताकि आप इस पर्सन के प्यार पर तो यकीन करें ही, ये पर्सन आपके लिए लॉयल है इस बात पर भी आप विश्वास कर लें। तो ये पर्सन ना बहुत सारी बातों को क्लियर करने का सोच रहे हैं आज सुबह भी, और ये पर्सन इस बात को लेकर काफ़ी इमोशनल भी हैं कि आप छोटी छोटी बातों पर इस पर्सन पर शक करते हैं। और ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहा है जहाँ पर इस पर्सन को इस चीज़ का दुख भी है कि आप इस पर्सन पर विश्वास नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं खुद की फीलिंग्स को। तो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स का कार्ड इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका पर्सन आज सुबह काफ़ी इमोशनल है, बहुत सारी बातों को लेकर इमोशनल है। जो बातें आप दोनों के बीच हो चुकी हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच हो चुके हैं, उनको लेकर ये पर्सन काफ़ी सोच विचार में लगा है।
कि अगर इसी तरह आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते रहे तो आप दोनों के बीच बहुत सारी दूरियां आ सकती हैं जो आप दोनों के बीच और भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती हैं। तो ये पर्सन इस दुविधा से ना निकलने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अभी जितनी भी चीज़ें हैं ना जो आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही हैं या फिर जो लोग भी हैं ना जो आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं उनको ना दूर रखा जाए, यानी कि आप दोनों के रिश्ते से उन लोगों को ये पर्सन दूर रखना चाहता है, उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है ये पर्सन। इन दिनों तक इस पर्सन ने ऐसा लगता है ख़ुद को आइसोलेट भी किया हुआ है। ये पर्सन किसी की तरफ नहीं देख रहा, सिर्फ सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। और जो भी इस पर्सन के मन में एक विचार आज सुबह आ रहा है ना वो यही है कि सारी बातों को आपसे मिलकर क्लियर करे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना तो ये रिश्ता आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो ये पर्सन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी वजह से गंवा चुके हैं। इस पर्सन के मन में आप इस तरह बसे हुए हैं कि ये पर्सन चाहकर भी आपको अपने ख्यालों से नहीं निकाल पा रहा, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हैं और ये इस पर्सन की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपसे मिलकर इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि आप इस पर्सन के लिए बने हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये जो एहसास है ना आपके लिए, जो इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, ये पर्सन किसी और के नहीं हो पा रहे हैं और ये कभी होंगे भी नहीं। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ भी गई है ना तो ये पर्सन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, उसको तो इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा है ये पर्सन, ताकि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में रहें और आप दोनों के बीच जो भी विश्वास की कमी इन दिनों देखी जा सकती है ना, तो ये पर्सन विश्वास दिलाना चाहता है आपको कि आप इस पर्सन के हैं, ये पर्सन आपका है। और आज सुबह ये पर्सन इसके बारे में काफ़ी सोच विचार में लगा है और जो कुछ भी पास में हो चुका है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के दरमियान हो चुके हैं, इस पर्सन ने आपको जो भी आप शब्द बोल दिए हैं उन पर काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। और ये पर्सन एक ऐसी गिल्ट में भी नज़र आ रहा है जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती की है। और ये जो गलती का एहसास है ना इस पर्सन को काफ़ी शर्मिंदा किए हुए है, ये काफ़ी शर्मिंदगी भी नज़र आ रहा है और काफ़ी तड़प और बेचैनी इस पर्सन के मन में है, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है जो सिर्फ प्यार बांटने में विश्वास रखता है। ये पर्सन किसी को दुख नहीं देना चाहते और ना ही ये पर्सन आपको दुख देना चाहते हैं। तो इस पर्सन से अगर इस पर्सन की किसी बात से आप हर्ट हैं तो ये पर्सन आपको मनाने का सोच रहे हैं, आपसे मिलने का सोच रहे हैं और जल्द ही आप दोनों के बीच की दूरियों को ये पर्सन मिटा देगा, तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर्सन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा आप इस पर्सन पर विश्वास करें। ओके व्यूअर्स, तो आज सुबह आपका पर्सन यही सब सोचता हुआ नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।